Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey and in today's class we are going to discuss textual and additional question answers of the chapter The Making of a Scientist. Students, you know very well only textual question answers are not enough to get good marks. So we will discuss here textual as well as the additional question answers. So let's start the video. But before that, one thing only I want to say that please like this video, okay? Let's start. Question number one. How did a book become a turning point in Richard Arkwright's life? The book, The Travels of Monarch X, opened the world of science for Richard. So, ये जो book थी, The Travels of Monarch X, इसने Richard के सामने science का जो है पूरा का पूरा संसार खोल के रख दिया था. कैसे? वो बहुत ज़्यादा interest लेने लगा था इस book की वजह से. After reading it, he became interested in tracking the migration of butterflies. और इसी book को पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया किसकी तरफ? बटरफ्लाइज की तरफ, कि उनका लाइफ सर्कल क्या है, कैसे वो माइग्रेट करती हैं, उनको ट्रैक करना शुरू किया उसने. दिस इंटरेस्ट लेड टू हिज अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. एंड इसी की वजह से, इस बुक की वजह से उसका ध्यान अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स की तरफ गया साइंस में. फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट. एंड इसी वजह से वो बहुत एक ग्रेट साइंटिस्ट बना अपनी लाइफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? मदर ने, अब्राइट की जो मदर थी उसने अब्राइट को कैसे हेल्प किया? सो रिचर्ड्स मदर प्रूव टू बी अ ग्रेट हेल्प. मदर बहुत ज़्यादा उसको एक हेल्पर के रूप में थी वहाँ पे. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड ब्रॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम. मदर उसके साथ उसको हमेशा ट्रिप्स पे लेके जाती, घुमाने लेके जाती, एंड बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स उनके लिए खरीदती थी ताकि उनका ध्यान साइंस से रिलेटेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाए. शी स्पेंट ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम. और मदर क्या करती थी, जब भी वो अब्राइट को फ्री देखती थी उनके लिए टास्क सेट करती थी, साइंस से रिलेटेड क्विजेज उनको देती थी, बहुत सारे चैलेंजेस उनको देती थी ताकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले साइंस में. दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न अ लॉट. एंड इसकी वजह से अब्राइट बहुत ज़्यादा सीखते थे. शी प्रेजेंटेड हिम द बुक एंड अब्राइट की जो मदर थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बुक उन्होंने अब्राइट को गिफ्ट की थी मदर ने. द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर. एंड इस बुक की वजह से जो रिचर्ड की मदर ने उनको दी थी उसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ जो थी वो पूरी चेंज हो गई थी, क्योंकि इसकी वजह से इनका ध्यान साइंटिफिक वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ था. लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट लेसन डज अब्राइट लर्न वेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? जब साइंस फेयर में अब्राइट ने पार्टिसिपेट किया एंड ही डिंट विन एनी प्राइज, जब उनको कोई प्राइज नहीं मिला तो उन्होंने क्या सीखा वहाँ से? अब्राइट एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू एट अ साइंस फेयर. साइंस फेयर में उन्होंने क्या दिखाई? फ्रॉग के टिश्यूज दिखाए. He did not get any prize. तब उनको कोई प्राइज नहीं मिला. He learned an important lesson that science is not just about display. इसका मीन्स है साइंस में कोई भी चीज़ केवल डिस्प्ले के लिए ही नहीं है. साइंस मीन्स क्या है? साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स. तो इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने ये सीखा कि साइंस में हमको कुछ भी प्रदर्शन करके दिखाना, मीन्स एक्सपेरिमेंट करना, दैट मीन्स साइंस. ही बिगेन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स. एंड उस दिन से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया. So this was the thing he learnt from that science fair. What experiments and projects does he do then undertake? तो कौन कौन से projects जो इन्होंने किए? He undertook many projects and experiments. He worked on viceroy butterflies to show that they copied monarch butterflies. He studied bright spots on monarch pupa and discovered a new hormone. Also he found out how cells read their DNA. तो उन्होंने जो बहुत सारे experiments किए, बहुत सारे projects किए, and उन्होंने work किया viceroy butterflies पे, and जिसकी वजह से उन्होंने क्या दिखाने का शुरू किया, उन्होंने ये show किया कि वो copy करते हैं किसको? Monarch butterflies को.
एंड उन्होंने जो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उन पे जो स्पॉट्स होते हैं उन पे भी स्टडी किया और क्या क्या बताया, एक नया हार्मोन डिस्कवर किया. एंड उन्होंने ये भी फाउंड आउट, मतलब ये भी खोजा कि सेल्स जो हैं वो उनके डीएनए को कैसे रीड करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए. सो देयर आर थ्री एसेंशियल क्वालिटीज दैट मेक अ साइंटिस्ट. दोज आर द फर्स्ट इज अ फर्स्ट रेट माइंड. आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए. नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि आपको हर चीज़ की क्यूरियोसिटी, यानी कि आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होनी चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द विल टू डू द बेस्ट एंड विन. एंड किसी भी पर्सन में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि वो बेस्ट से बेस्ट करेगा एंड उसे जीतना ही है. सो दीज आर द क्वालिटीज, इन क्वालिटीज से वन कैन बिकम अ साइंटिस्ट एंड ऑल दीज क्वालिटीज वर प्रेजेंट देयर इन अब्राइट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर एडेड एंड स्टूडेंट दीज आर द एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स सो दैट यू कैन डू वेल इन योर एग्जाम. What rare achievement did Richard manage at the age of 22? कौन कौन से ऐसे achievements थे जो उन्होंने 22 की एज में उनको उन्होंने लिए थे. So Richard has had a rare honor at the age of 22. He wrote an article with his friend about a theory of how cell works. तो Richard ने 22 की एज में एक ऐसा उनको ऑनर मिला था. उन्होंने क्या किया था, ही रॉट एन आर्टिकल, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा अपने एक फ्रेंड के साथ. इसमें किस पे डिस्कशन था, इस ये एक थियरी थी कि सेल्स जो है वो कैसे वर्क करती हैं. द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल, जर्नल क्या था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. तो ये जो जर्नल था साइंस का, ये पब्लिश हुआ था, ये जो आर्टिकल था ये पब्लिश हुआ था इस साइंटिफिक जर्नल में. उसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. नो वन हैड दिस अचीवमेंट एट सच अ यंग एज बिफोर हिम. एंड उनसे पहले किसी ने भी इतनी छोटी एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिचर्ड बिकेम अ कलेक्टर एट एन अर्ली एज, हाउ. छोटी सी एज में वो कैसे कलेक्टर बन गए थे. कलेक्टर मींस कुछ कुछ इकट्ठा करने वाले. कैसे वो हर चीज को कलेक्ट करते थे अपने पास, कैसे वो इतना सारा, कैसे हुआ ये सब कुछ बहुत छोटी सी एज में. एक्चुअली रिचर्ड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. ही हैड नो कंपनी एट होम टू प्ले विद. ओनली चाइल्ड थे तो उनके पास कोई कंपनी भी नहीं थी, वो किसके साथ खेलते. एंड क्या किया, उनकी मदर ने उनको बहुत हेल्प किया इसमें. सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग थिंग्स इन हिज स्पेयर टाइम. तो उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को कलेक्ट करना शुरू किया, कलेक्शन स्टार्ट किया अपने फ्री टाइम को यूज़ करने के लिए. ही वुड कलेक्ट कॉइन्स, फॉसल्स, रॉक्स एंड बटरफ्लाइज एज अ हॉबी. एंड अपनी हॉबी के तौर पे उन्होंने ये सब चीज़ें कलेक्ट करनी शुरू की. इससे उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया एंड ही बिकेम अ गुड कलेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय रिचर्ड्स मदर इन हिज सक्सेस. बहुत बड़ा रोल है रिचर्ड की मदर का उनकी लाइफ में. और ये भी कह सकते हैं कि अब्राइट की जो मदर थी उन्होंने साइंटिस्ट बनने में कैसे उनको अब्राइट को हेल्प करा. सो रिचर्ड्स मदर मेड रिचर्ड द सेंटर ऑफ हर लाइफ. रिचर्ड की मदर के माइंड में यही था कि मुझे अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है. उसकी वजह से वो हमेशा उनके साथ लगी रहती थी. शी वुड बाय माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड बुक्स फॉर हिम. और ऐसी बुक्स क्यूरियोसिटी से भरी हुई जिसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारा उनके पास बहुत सारा मैटर होता था. जिन बुक्स में वो बुक्स मदर अब्राइट को गिफ्ट करती थी. शी अरेंज ट्रिप्स फॉर हिम एंड वुड ऑल्सो प्रिपेयर डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम. बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे टास्क प्रिपेयर करती थी किसके लिए, अब्राइट के लिए, सो दैट वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके. दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न अ लॉट. एंड इन सब चीज़ों की वजह से वो बहुत कुछ गेन करने में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने में इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्रैवल्स ऑफ मोनैक एक्स प्रूव अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. तो ये ट्रैवल्स ऑफ मोनैक एक्स जो बुक थी
इसकी वजह से कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। रिचर्ड वॉज बोर्ड विद कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। अब वो बोर हो चुके थे इस काम से कि वो कंटिन्यूसली बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते जा रहे थे। एट दिस टाइम हिज मदर गॉट द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनैक एक्स फॉर हिम। तो मदर ने उनको ये बुक दी। आफ्टर रीडिंग द बुक ही स्टडीड द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फुड टू हिम। तो क्या किया था, जब मदर ने उनको ये बुक दी तो इस बुक की वजह से उन्होंने ये सीखा कि बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करती हैं वन प्लेस टू अनादर, एंड इसकी वजह से उनके माइंड में क्यूरियोसिटी आई एंड ये उनकी लाइफ में क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रिचर्ड लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। उनका इंटरेस्ट कैसे, पहले तो उन्होंने शुरू किया बटरफ्लाइज को वो टैग करते थे एंड उसके बाद उनका इंटरेस्ट कैसे खो गया था, क्यों खो गया था इस चीज में। रिचर्ड रेज थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज, टैग्ड देम एंड रिलीज्ड देम टू स्टडी देयर माइग्रेशन। वो चाहते थे कि वो देखें उनके माइग्रेशन के बारे में, स्टडी करें, इसलिए उन्होंने स्टार्ट की टैगिंग। लेकिन सून जल्दी ही क्या हुआ, ही लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज ओनली टू ऑफ हिज टैग्ड बटरफ्लाइज वर रिटर्न टू हिम एंड दे ट्रैवल्ड ओनली 75 miles। क्या हुआ था कि दो बटरफ्लाइज जो उन्होंने टैगिंग करी थी जिन पे, वो वापस उनके पास आ गई और वो कहाँ तक, वो केवल 75 miles तक उड़ने के बाद ही उनके पास इतनी जल्दी वापस आ गई, इसलिए उनको इस काम में बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट डिड रिचर्ड अंडरटेक इन द 8th grade। जब वो 8th grade में थे यानी कि 8th class में थे तो उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट किया था। सो रिचर्ड अंडरटुक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल फीवर दैट हैड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो किया, इसमें उन्होंने एक वायरल फीवर को बताया, किस चीज़ का, कि बहुत सारी बटरफ्लाइज जो मरती हैं उसका कारण क्या है, वायरल फीवर। ही थॉट दैट अ बीटल माइट कैरी द वायरस अलॉन्ग, ऑल्दो ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव इट। तो उन्होंने सोचा कि कोई कीड़ा, कोई बीटल होगा जो अपने साथ ये वायरस लेके जाता है एंड जिसकी वजह से बटरफ्लाइज जो हैं वो मरती हैं, लेकिन वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिचर्ड्स प्रोजेक्ट ऑन द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनैक पुपा वॉज हाईली वैल्यूएबल इन टू वेज, लिस्ट द टू। और वो कौन सी वेज थी जिनकी वजह से उन्होंने ये गोल्ड स्पॉट्स वाला, मोनार्क प्यूपा पे जो गोल्ड टाइनी स्पॉट्स होते हैं, उसके इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस था वो हमको दो वेज में बताना है। सो दिस प्रोजेक्ट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फर्स्ट ही डिस्कवर्ड अ हार्मोन, उन्होंने एक हार्मोन डिस्कवर किया जो कि बहुत नेसेसरी था किसी भी प्यूपा की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ प्यूपा। सेकेंडली ही गॉट अ चांस टू वर्क एट अ फेमस लेबोरेटरी, और इसकी वजह से, और सेकेंड था जिसकी वजह से उनको चांस मिला एक बहुत ही फेमस लेबोरेटरी में वर्क करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू अब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। दो बहुत बड़े क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस में, किसके, अब्राइट के। सो अब्राइट डिस्कवर्ड अ हार्मोन दैट वॉज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई। फर्स्ट तो ये कंट्रीब्यूशन है उनका कि बटरफ्लाई की ग्रोथ में कौन से हार्मोन जो चाहिए वो उन्होंने डिस्कवर किए। हिज अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रूव टू बी स्टडी ऑफ हाउ सेल रीड देयर DNA। तो सेल्स जो हैं, सेल्स और DNA की स्टडी जो उन्होंने की, ये इनका सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू साइंस व्हाट वर द अदर इंटरेस्ट ऑफ रिचर्ड। रिचर्ड के अदर किस किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था, साइंस के अलावा और क्या चीज़ें थी। अपार्ट फ्रॉम साइंस, रिचर्ड वॉज अ गुड डिबेटर एंड अ पब्लिक स्पीकर एज वेल एज अ कैनाइस्ट एंड एन ऑल राउंड आउटडोर पर्सन। क्या थे वो, डिबेटर भी बहुत अच्छे थे, स्पीकर भी बहुत अच्छे थे, नौका चालक भी थे एंड वन मोर थिंग, उनको फोटोग्राफी भी बहुत बहुत पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर वेरर प्लेज अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू रिचर्ड, व्हाट डिड ही से। तो उन्होंने क्या कहा था मिस्टर वेरर ने रिचर्ड के लिए। मिस्टर वेरर वॉज अ ब्राइट सोशल स्टडीज टीचर, उनके सोशल स्टडी के टीचर थे। ही प्रेज्ड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट माइंड, हिज क्यूरियोसिटी एंड अ विल टू विन फॉर द राइट रीजन। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो उनको प्रेज करते थे। कौन, उनके सोशल स्टडीज के टीचर मिस्टर वेरर।
क्या थी वो चीजें? ब्राइटर माइंड, उनका बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट माइंड था, ब्राइट माइंड था, क्यूरियोसिटी थी किसी भी चीज को जानने की, एंड किसी भी चीज के लिए राइट रीजन उनको जानना होता था कि ऐसा क्यों है. ही ऑल्सो एडमायर रिचर्ड फॉर हिज स्पिरिट टू डू हिज बेस्ट ऑल द टाइम. एंड रिचर्ड के मन में क्या होता था हमेशा, कि वो हमेशा अपना 1000% दे किसी भी चीज के लिए, सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से करें. Why do Viceroy butterflies copy the Monarch butterflies? अब ये Viceroy जो butterflies थी वो क्यों copy करती थी Monarch butterflies के लिए, ये क्या reason था? Actually birds eat Viceroy butterflies because they taste good to them. Birds जो है वो किसको खाते हैं? Viceroy butterflies को, क्योंकि उसका taste बहुत अच्छा होता है. Whereas Monarch butterflies do not taste good to the birds. जबकि मोनैक बटरफ्लाइज जो हैं उनका टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता. सो द वॉइस रॉयस ट्राई टू कॉपी द मोनैक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द बर्ड्स. और ये डिस्कवरी किसने की थी? ये बताया था हमको अब्राइट ने, कि वॉइस रॉयस जो बटरफ्लाइज होती हैं वो ट्राई करती हैं उनको मोनैक को कॉपी करने का, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. Next, hobbies plays a very important role in one's life. Elaborate this with the reference to the making of a science. Very, very important question. कि hobbies जो हैं वो बहुत important role play करती हैं. कैसे हम बता सकते हैं? The making of scientist chapter का reference से. So, Richard Abright started collecting butterflies as a hobby. उन्होंने शुरू किया butterflies को collect करना अपनी hobby के रूप में. लेकिन बाद में उनकी research का ये एक point बन गया और उन्होंने बहुत सारी discoveries की. And इसी तरह से हम कह सकते हैं कि hobbies play an important role in one's life. Next question, what were the factors which contributed in making Abright a scientist? कौन कौन से factors थे जिनकी वजह से वो एक scientist बने? Three qualities of Abright which contributed were first-rate mind, sense of curiosity and will to win for the right reason. तो ये सारे इनकी वजह से one can become a good scientist. Thank you so much students. Keep reading, stay connected. Bye-bye for now.